मनुष्य के चरित्र में कई नकारात्मक गुण होते हैं, लेकिन शायद इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होगा कि काम वासना उनमें सबसे खतरनाक है। इसकी गंभीरता इससे भी बढ़ जाती है कि वासना अकेले दूसरे नकारात्मक गुणों को उत्पन्न करती है, इसलिए मनुष्य के लिए आत्मसंयम तब तक संभव नहीं है कि जब तक काम वासना के ऊपर नियंत्रण न प्राप्त कर लिया जाए, क्योंकि अगर दूसरे दुर्गुणों जैसे क्रोध अहंकार के ऊपर नियंत्रण कर भी लिया जाए और मन में वासना शेष रहे तो दूसरे दुर्गुण दोबारा उत्पन्न हो जाएंगे। आत्मसंयम के लिए इस खतरनाक दुर्गुण वासना पर नियंत्रण आवश्यक है। वासना को जड़ से समाप्त करने लिए हमें इसके जड़ को जानना आवश्यक है। वैसे काम शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में होता है। कोई मनुष्य के मन में अगर कोई भौतिक इच्छा हो तो वह भी काम की परिभाषा में ही आता है, लेकिन ईमानदारी से अपने अधिकार के अधीन अपनी इच्छा पूर्ति कभी गलत नहीं होता और लगभग सभी मनुष्यों में कोई न कोई इच्छा होती है, लेकिन यह काम जब किसी मनुष्य में लैंगिक वासना सस्ती सामाजिक प्रतिष्ठा या आसान धन बिना मेहनत किए की कामना में परिवर्तित हो जाए तो यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इस प्रकार की मनःस्थिति में मनुष्य अपनी वासना की पूर्ति के लिए हमेशा विध्वंसकारी मार्ग का चयन करता है, जिससे समाज की बहुत क्षति होती है। तीन गुण सत्व रजस और तमस प्रकृति के सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। मनुष्य के भोजन से लेकर वस्त्र और यहाँ तक हवा पानी तक में इन गुणों का वास होता है। मनुष्य के कुछ कार्यकलाप जिन्हें रजस गुण से पहचाना जा सकता है इस प्रकार है: मांसाहार, तीखे आदि भोजन, शराब, धूम्रपान या ड्रग का सेवन, उत्तेजित या कामुक माहौल या पदार्थों की संगति, कृत्रिम आरामदायक वातावरण का अधिक उपयोग और प्रकृति वातावरण से दूरी, शारीरिक मेहनत, योग या व्यायाम की कमी, भौतिक सुख की ओर ज्यादा रुझान, भौतिकवाद विचारधारा का पालन। यह कुछ साधारण उदाहरण है जो राजसिक गुणों से युक्त जीवन पद्धति को परिभाषित करते हैं। जो मनुष्य ऊपर उल्लेखित जीवन पद्धति में लिप्त होते हैं उनमें वासना उत्पन्न होने की संभावना अधिक होती है। इस तथ्य का प्रतिपादन विज्ञान की विभिन्न धाराओं में भी किया गया है। मनोविज्ञान में सामाजिक जीवन का मनुष्य के ऊपर प्रभाव के बारे में विस्तृत वर्णन है, जहाँ यह सिद्ध किया गया है कि आसपास के माहौल का पूरा प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है। सामाजिक शास्त्र में इस प्रकार के सिद्धांत हैं। कई दूसरे शास्त्र कविताएं और रचनाओं में इस तथ्य का वर्णन है। हम में से शायद ही कोई होगा जिसने यह पंक्ति नहीं पढ़ी हो: संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यह कहावत तो गली गली में प्रचलित है। यह पूर्ण स्पष्ट है कि जब मनुष्य अश्लील कामुक उत्तेजना युक्त हिंसा जैसे वातावरण में समय व्यतीत करता है, अपने इंद्रियों और मन को लिप्त करता है, तो उसमें वैसे भाव उत्पन्न होते हैं। वह उन अश्लील कामुक उत्तेजित या हिंसा युक्त वस्तुओं या घटनाओं के बारे में सोचता है और उनमें फिर वैसे ही गुण आने लगते हैं। अगर समय रहते ऐसा मनुष्य खुद के ऊपर नियंत्रण नहीं करता और लगातार वैसे वातावरण में जाता है तो उसमें वासना या उत्तेजन या हिंसा की भावना उत्पन्न होगी ही। यह तो कोई भी बता सकता है कि अगर एक आदमी शराब खाना, जुआ खाना या कोठे पर बैठा हो तो उसमें भक्ति के भाव तो नहीं ही आएंगे। शराब खाने में, जुए खाने में, कोठे पर भगवान का भजन करने तो नहीं जाते लोग। उपाय क्या है? कारण तो बता ही दिया। अगर कोई इन्हें ईमानदारी से समझ ले तो उपाय भी खोज लेगा। कुछ उपायों को मैं यहाँ सारांश में वर्णित करता हूँ। सबसे पहले तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। इससे संबंधित सत्य यह है कि वासना क्रोध आदि दुर्गुण प्रकृति कसे ही उत्पन्न होते हैं। चूंकि जीव का शरीर मन और बुद्धि इस प्रकृति के भाग हैं, इसलिए काम वासना ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर एक बदलाव का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। एक खास जीवन पद्धति जिसमें रजस गुणों की प्रधानता हो जाती है तब वासना जैसे गुणों का जन्म होता है। अगर हम उस जीवन पद्धति को सही कर लें तो इन दुर्गुणों को बहुत आसानी से समाप्त किया जा सकता है। रोकथाम ही उपाय, प्रिवेंशन इज क्योर। यह प्रक्रिया शारीरिक रोगों के संदर्भ सार्थक रूप से प्रयोग की जाती है। वासना भी तो शरीर और मानसिक रोग ही है और यह नियम यहाँ पर लागू होता है। जो मनुष्य यह चाहता है कि उसमें वासना जैसे दुर्गुण उत्पन्न न हो उसे वैसी जीवन पद्धति से बचना चाहिए जिसमें रजस गुणों की अधिकता हो, अश्लील उत्तेजित आदि वातावरण से बचना चाहिए। सात्विक जीवन पद्धति अपनाएं।
जो आत्म संयम के इच्छुक हैं और वासना जैसे गुणों कसे बचना चाहते हैं, उन्हें अपने जीवन में सात्विक गुणों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सात्विक गुणों के बढ़ने से रजस या तमस गुण अपने आप ही नियंत्रित हो जाते हैं। तीन गुणों का पूर्ण विवरण पहले दिया जा चुका है और उनका विस्तृत विवरण तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन सारांश में निम्न बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके सात्विक गुणों को बढ़ाया जा सकता है। एक, शुद्ध ताजा और तुरंत पका हुआ भोजन करें। जंक फूड, शराब, धूम्रपान पर नियंत्रण करें। ड्रग से बचें। दो, घर को यथा संभव साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। तीन, अगर संभव हो तो प्रकृति वातावरण में अधिक से अधिक समय बिताए। प्रातःकाल योग या व्यायाम करें। चार, अपने खाने, काम करने और सोने की दिनचर्या तो दुरुस्त करें। पांच, कुछ अपना कुछ समय ईश्वर साधना, मंत्रोच्चार या शास्त्रों के अध्ययन में लगाएं। छह, सप्ताह में एक दो बार अपने परिवार के साथ मदिंग्र अवश्य जाए। मदिर सात्विक गुणों से युक्त होते हैं और वहां पर बिताया गया थोड़ा समय भी बहुत लाभकारी होता है। सात, सात्विक गुण से युक्त मनुष्यों का साथ करें। आठ, जीवन से कुछ समय निकालकर गरीबों असहायों की सेवा करने का प्रयास करें। सेवा वह अमृत है जो अंतःकरण को शुद्ध करता है और इससे अपार संतुष्टि एवं शांति प्राप्त होती है। नौ, अपने माता पिता, गुरुजन, ज्ञानी या अग्रजों का सम्मान करें, इससे मन शुद्ध एवं शांत होता है। और भी कई उपाय हैं जिसका पालन करके सात्विक गुणों में वृद्धि की जा सकती है। जो आत्म संयम के इच्छुक हंग उन्हें सात्विक गुणों में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। दो, जीवन में सकारात्मक विकल्पों का लक्ष्य बनाएं। कभी कभी जीवन के लक्ष्य का सही निर्धारण नहीं होने से मनुष्य गलत आदतों के आदि हो जाते हैं। निराशा अपने आप में एक खतरनाक मनस्थिति है और निराशा की स्थिति में मनुष्य बहुत कमजोर होता है और वह किसी भी दुर्गुण का शिकार हो सकता है। आत्म संयम मनुष्य के सुख का आधार है और सभी मनुष्यों को किसी न किसी प्रकार से अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। अनियंत्रित चरित्र में दुर्गुणों का आगमन कभी भी हो सकता है। आत्म संयम के कई पहलू हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ एक पहलू की बात की। आगे के विवेचनों में दूसरे तथ्यों पर चर्चा करेंगे।